नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। तीन तलाक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक एक अभिशाप बन चुका है, खासतौर से उन महिलाओं के लिए, किसी बुरे सपने से कम नहीं है जिनके सर पर ससुराल के सिवा कोई और सहारा नहीं है। ऐसा ही एक मामला यूपी के आजमगढ़ जिले के बरदाह थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर एक महिला को उसके पति ने कुवैत से व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग भेजकर तीन तलाक दे दिया। तलाक के बाद महिला अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर दर दर भटकने को मजबूर हो गई। दरअसल बरदाह थाना क्षेत्र के रहने वाली महिला को उसके पति ने कुवैत से व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग भेजकर तीन तलाक दे दिया, जिससे अपने आप को असहाय महसूस करते हुए महिला थानों का चक्कर लगाने को मजबूर हो गई। यही नहीं, गोद में एक मासूम बच्चे और अपनी मां को लेकर दर दर भटक रही है महिला। महिला का आरोप है कि उसके पति सलमान की पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन ये बात छिपाकर उसने मुझसे शादी की थी, उसके पास एक बच्चा भी था। महिला ने बताया कि जब उसे इस बात की जानकारी हुई तो उसने सलमान से पूछा। सिर्फ पूछने से ही सलमान गुस्से में आ गया और उसे तीन तलाक दे दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि पति सलमान कुवैत की कंपनी में काम करता है। उसकी शादी 2017 में उससे हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही वो शादीशुदा था। इसकी कोई जानकारी ना हमारे परिवार वालों को थी और ना ही उसने बताया था कभी। महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। महिला ने कहा कि पुलिस मेरे पति सलमान के खिलाफ कार्रवाई करे। इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि महिला का शिकायती पत्र मिला है। महिला का पति अभी कुवैत में है, ससुराल वालों से पूछताछ की जाएगी। अगर प्रकरण सही निकला तो पति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।